लागत लगी है तो लगेगा ही, वैसे भी लोग जाते हैं भगवान के दर्शन में तो ऐसे दक्षिणा चढ़ाते हैं। अब अगर वो टैक्स लग रहा है तो का बुरा बंधन करके। निकाय चुनाव तो अकेले अपने दम पे 22 तारीख को लखनऊ में प्रदेश की बैठक करने जा रहे हैं और वहीं प्रत्याशियों के ज़्यादातर प्रत्याशियों घोषणा कर देंगे, अकेले अपने दम पे लड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव आएगा तो फिर बताएंगे आप लोगों से। देखिए, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, हम इसके पक्षधर हैं, लेकिन माफियाओं की आड़ में निर्दोषों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। अभी जैसे एक चिट्ठी हमको मिली, सरकार ने एक कानून बनाया कि भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन गांव में रंजिश बस, गांव में प्रधानी के चुनाव को लेके 3 गोल 4 गोल 5 गोल बनी, 1 गोल रंजिश बस जो गांव सभा की जमीन पर बसा है 50 साल 100 साल 80 साल, मतलब दशकों से बसे हुए लोगों के खिलाफ दरखास्त दे करके उनको उजाड़ने की बात हो रही है, और ये कहकर के ये भू माफिया है। अब जो भूमिहीन है वो भू माफिया कैसे हो सकता है? तो भूमिहीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार को एक कानून बना देना चाहिए कि जो गरीब भूमिहीन जो जहां बसा है उसके नाम दर्ज करके उसके नाम कर दिया जाए, एक कानून पास होना चाहिए सरकार की तरफ से, और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से हो लेकिन निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसके पक्षधर। बाबा का बुलडोजर निर्दोष लोगों पे भी चल जा रहा है सर। हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई हत्या करके भाग के कहीं जाके चाय की दुकान पर बैठ जाए, दुकानदार को पता नहीं कि ये गोली मार करके किसी को आ रहा है, और चाय की दुकान पर वहाँ भी स्टूल पर बैठ करके 2 लोग और पी रहे हैं, और दरोगा जी गाड़ी लेके दौड़ाए हुए पीछे पीछे जा रहे हैं, अब वहाँ जा करके तो 3ों को तो बैठा लेंगे गाड़ी में, अब तो थाने में ना सही साबित होगा गोली कौन मारा, ये दोनों कहाँ हैं, वो तो बेचारे चाय पी रहे हैं, पता नहीं कि निरहू हैं कि गुरहू हैं, उसका क्या पता है। तो इस तरह की चीज़ें दबाव में आ जाता है, जैसा कि अब मान लीजिए एक घर गिराया जा रहा है, सटा हुआ घर निर्दोष का है, वो भी उसके चपेट में आ रहा है, ऐसा कम हो रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन इतना तय है कि जो कार्रवाई हो रही है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो निर्दोष है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।